भारत को क्रिकेट का वर्ल्ड लेवल टूर्नामेंट आईपीएल देने वाले ललित मोदी इस वक्त बुरे दौर से गुजर रहे हैं। उन्हें कोरोना के एक घातक वेरिएंट ने चपेट में ले लिया है। दरअसल ललित मोदी मैक्सिको में छुट्टियां मना रहे थे, जहां उन्हें कोविड के नए वेरिएंट ने शिकार बना लिया है। ललित कुमार मोदी ने सोशल मीडिया पर सभी को एहतियात बरतने की सलाह दी है, क्योंकि चार बार वैक्सीन लेने के बाद भी उन्हें कोविड इन्फेक्शन हो गया है। उन्होंने लिखा है, ये नया स्ट्रेन बहुत ज्यादा घातक है, अभी भी सांस लेना मुश्किल है और आप सभी के स्वस्थ रहने की कामना करता हूँ। किस घातक वेरिएंट की चपेट में है ललित मोदी? ललित मोदी के सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक उन्हें कोविड के नए स्ट्रेन ने चपेट में लिया है, जो कि मैक्सिको या अमेरिका में तेजी से बढ़ रहा है। आवर वर्ल्ड इन डेटा के अनुसार मैक्सिको में ओमिक्रॉन का BA.5, BQ.1 और XBB वेरिएंट सबसे प्रमुख है, जिसमें से ओमिक्रॉन XBB.1.5 सबसे नया और तेजी से फैलने वाला वेरिएंट है। सोशल मीडिया पर ललित मोदी ने बताया है कि वो एयर एम्बुलेंस के द्वारा मैक्सिको से लंदन पहुंच गए हैं और हालात में सुधार हैं, लेकिन अभी भी पूरे एक्सटर्नल ऑक्सीजन लेनी पड़ रही है क्योंकि उन्हें कोविड का डबल अटैक हुआ है। इसका मतलब है कि पिछले 24 दिनों में वो लगातार दो बार इन्फेक्शन की चपेट में आ चुके हैं। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।